लोकसभा चुनाव आ रहे हैं फिर तो हम मोदी को देना पड़ेगा, हम वोट हिंदू मेंटेलिटी के हिसाब से, वैसा नहीं काम नाम कुछ नहीं है। मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी तो हिंदू ब्राह्मण हूँ। मुंबई के समुंदर का मजा आ गया, मुंबई के समुंदर का। हाँ, इसके लिए धन्यवाद किसे दो? इसके धन्यवाद सरकार को। निर्मल गांव का नाम रख रखा हो, सचमुच निर्मल गांव। कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है, इसलिए मेंटेलिटी है जो बुजुर्गों की मेंटेलिटी है कि मोदी को वोट कर। मोदी आया बंद करण, रास्ता तो पूछ लो किसने बंद करा, पानी का पानी कहाँ को जाता। अरे कब तक मोदी को वोट करोगे भाई? विकास इस बार हरिद्वार क्षेत्र विकास। कभी कांग्रेस का विधायक नहीं आया, कोई को बीजेपी का नहीं आया यहाँ देखने के बाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया अभी हम रुड़की और सलेमपुर मार्ग पर हैं। आपको बता दें झबेड़ा विधानसभा के सलेमपुर में आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से ये पानी भरा हुआ है। और यहां पर आज जनता कैबिनेट पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड आंदोलनकारी महिला भावना पांडे जी यहां पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? जिस तरह से क्षेत्रवासियों से आपकी बात हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पहले हम क्षेत्रवासियों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के लिए? समस्या के लिए पानी बहुत भरा रहता है, नगर निगम भी काम नहीं करती। जितना पानी कूड़ा निकालती है वो वहीं डाल के कूड़ा अंदर चले जाता है पानी में, नाले ही सफाई नहीं करते। कर्मचारी को कहते रहो, शिकायत करते रहो, नगर निगम में आप मेन ऑफिस में जाओ, मेन ऑफिस में जाओ, मेन ऑफिस में वाले करते हैं कि भेज रखा है। जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ आते नहीं है काम करने के लिए, कूड़ा लेने के लिए तीन तीन दिन में गाड़ी आ रही है, वो कूड़ा कहाँ जाएगा? नालियों में जाएगा, इसलिए पानी की समस्या है। निगम के अधिकारी कहते हैं कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कूड़ा समय पर उठाया है। कूड़ा वाले भी तीन दिन में आ रहा है, तीन दिन में गाड़ी आ रही है यहाँ पे कूड़ा लेने के लिए भी जी। और वो कूड़ा जितना निकालते हैं फिर अंदर चले जाता है बारिश होने के लिए। पानी की समस्या कब से बनी हुई यहाँ पे हम देख? समस्या तो बहुत सालों से बनी आ रही है, इसका समाधान ही नहीं हो रहा, निपटारा नहीं, कागजों में समाधान हो रहा, बाकी वो कोई समाधान नहीं। आपके सामने पानी भर रहा है जी। क्षेत्रीय विधायक क्या बोलते हैं? क्षेत्र विधायक कह रहे हैं कि इधर आई नहीं, क्षेत्र विधायक जब से इलेक्शन हुआ आगे नहीं देखा उन्होंने, ये इस क्षेत्र में तो आगे नहीं देखा जी। नहीं जानते किसी तो पूछ लो, ये पूछ लो उस एरिया में वीरेंद्र जाति ने कभी झांके नहीं देखा कि यहाँ पे वीरेंद्र जाति कोई विधायक आया महाराज जी, वोट लेके चले गए, उसके बाद में आगे नहीं झांका उन्होंने, वो हमारे क्षेत्र में तो आई नहीं कभी भी। निशंक जी भी नहीं आए, वो आए अपने जब इलेक्शन अब टाइम में जब आए थे उसके बाद नहीं आए जी। जब अब जब इलेक्शन आओगे निशंक जी भी आओगे, सारे ही आओगे। हाँ, उससे पहले तो कोई आए नहीं। नगर निगम के अधिकारी हम तो जानते नहीं उन्होंने। भावना पांडे जी पहुँच गए? हाँ जी, पहुँच गए हमारे सामने, हम खड़ी भी मैडम, हम तो देखते ही ना बाहर आ गए मैडम जी, आगे कुछ ना कुछ समाधान हो गए। एक सेकंड जी, यो नाड़ा साफ करवाया था अपना, आप दिए थे पैसे, रिक्वेस्ट करी थी, आप पैसे कराए जी अपना, 1500 रुपये खर्च के रिक्वेस्ट करिए भी, ये भी सही नहीं कर पाए। भैया से पूछेंगे, हाँ जी, ये जो अभी आप पानी से निकल के आए हो, कैसा सफर लगा आपको वहाँ से यहाँ तक? बेहतरीन, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कैसा मज़ा? मुंबई के समुंदर का मज़ा आ गया, मुंबई के समुंदर का। हाँ, इसके लिए धन्यवाद किसे दो? इसके धन्यवाद सरकार को, और चाहिए थोड़ा सा पानी कम है ज़रा। हाँ, मज़ा, पानी कम है, मज़ा आ जाएगा जी। बिल्कुल, काम ठीक कर रही है जी, बहुत बेहतरीन, इससे बढ़िया तो कर ही नहीं सकती, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता। हफ्ते नहीं यहाँ? नहीं नहीं, आना जाना कौन बंद हो रहा है सब आ रहे, एक आदमी घर में बैठा हो बताओ भाई, हम तो जा रहे हैं, मज़ा आ रहा, और पानी कम है लेकिन थोड़ा सा और होना चाहिए। हाँ ठीक है जी, ठीक है बात भाई। ना भाई, हमारी समस्या तो नहीं ठीक है, ना क्या होना चाहिए आपके? हमारी समस्या भाई जी, रोड सही होना चाहिए, स्विमिंग पूल जिसे बनवाना है अपने घर बनवा ले, अलग कहीं बनवाए। बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हाँ जी, ताऊ जी नमस्ते। खराब है यहाँ की, इस गाँव की स्थिति खराब है। हाँ, विधायक आया देखता ही नहीं यहाँ से, विधायक ने कभी यहाँ टाइम नहीं दिया, ना विधायक आया। अच्छा। ना हमसे मिला, ना समस्याएं कुछ सुनी किसी की। आज ये भावना पांडे जी आ गई लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर। हाँ, ये सभी अभी आ रहे हैं, इलेक्शन का टाइम आ रहा है ना, पहले कौन आवा, बाद में नहीं आता कोई। निर्मल गाँव का नाम रख रखा हो, सचमुच निर्मल गाँव। बिल्कुल बन गया पूरा, कोई नहीं आता, यहाँ किस्ती लगानी पड़ेगी भाई। स्थिति बिल्कुल भी, पानी की निकासी नहीं है, इतने परेशान ना जनता की पूछो बात। भाजपा सरकार कहती है सड़कें बिल्कुल चमका दी, सड़कें बोले सब झूठ बोले। अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं फिर तो हम मोदी को देना पड़ेगा, हम वोट हिंदू मेंटेलिटी के हिसाब से, वैसा नहीं काम नाम कुछ नहीं है। एक है वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, मोदी भी चल रहा काम भाई, हिंदुओं के नाम पर चल रहा है, हिंदू मोदी के नाम से, और बस अब लीडर बढ़िया मोदी। पानी जब रास्ता किसने बंद करा इसका? हाँ। मोदी आया बंद करण। हाँ। रास्ता तो पूछ लो किसने बंद करा पानी का, पानी कहाँ को जाता? किसने करा बंद? ये गांव वालों ने बंद कर रखा, गांव वालों ने बंद कर रखा। कांग्रेस का है विधायक तो आता ही नहीं है भाई, वो जाती देखना देखता ही नहीं है कभी, आकर आता नहीं कभी भी नहीं। पहले तो भाजपा की भी रही, यहाँ पे भाजपा की रही है, भाजपा का मैं भी ऐसा ही रहा है। चलिए एक बार फिर मैडम से बात कर लेंगे, वो क्या कहना, क्षेत्र में की तीनों जगह आप गए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर
देखिए ये सफाई नहीं होती है, आप इसमें मिट्टी भरी रहती है। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा सफाई करते हैं ये लोग, और क्या ढक्कन निकालेंगे उसके बाद फॉर्मेलिटी कर देते हैं, तो फॉर्मेलिटी से नहीं चलने वाला। आप तमाम आज बड़े बड़े होर्डिंग आपने लगा दिए, बड़े बड़े होर्डिंग, अभी आप देखना कांवड़ियों की स्थिति इतनी ख़राब है। जब शहर में ये स्थिति है तो कांवड़ियों के लिए भी इन्होंने कोई अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं करी है कांवड़ के लिए, और तो बड़ा दुर्भाग्य है। नेता सोए हैं घरों में, मुझे तो लग रहा है नेता अपने नोटों को ना पंखा लगा रहे हैं कि कहीं फबूद ना लग जाए उनके, क्योंकि कोई क्षेत्र में भ्रमण ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर आते हैं वोट मांगने। तो जो कि हर नेता, हर विधायक, हर मेयर, हर सांसद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्षेत्र की जनता परेशान तो नहीं है। कह रही भाई यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो लोग भाई हिंदू मेंटेलिटी के लोग हैं तो भाई वोट करते हैं भाजपा को। देखिए इनकी मजबूरी है, कोई मैं भी तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, कोई विकल्प नहीं था भाजपा और कांग्रेस। इन लोगों ने एक बना रखा है कि कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है, इसलिए मेंटलिटी है जो बुजुर्गों की मेंटलिटी है कि मोदी को वोट करेंगे। अरे कब तक मोदी को वोट करोगे भाई? विकास इस बार हरिद्वार क्षेत्र विकास पर होगा, ये तो जो सीनियर सिटीजन है इन लोगों को हिंदू मुसलमान रहता है, और इस बार 100% युवा और जो हम लोग के एज ग्रुप के लोग हैं या युवा वर्ग के या महिलाएं 100% बदलाव चाहती हैं। आप इनसे पूछिए, बदलाव चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए और बदलाव आना भी चाहिए। जब तक की बदलाव नहीं होगा तो तब तक की कैसे काम चलेगा? अब तो आगे इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। कभी कांग्रेस का विधायक नहीं आया, कोई कोई बीजेपी का नहीं आया यहाँ देखने के बाद में, तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा जी, और जब भी काम होगा आगे। देखिए क्षेत्र की जनता भी कह रही है भाई बदलाव बहुत ही जरूरी है, और साफ तौर पे कह रहे हैं बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षेत्र का विकास रुका हुआ है।